कौन कहता है कि शरारत करना बुरा होता है। बच्चों, मैंने अपने बचपन में बहुत सारी शरारतें करी और उनसे बहुत कुछ सीखा। 1999 की बात है, मेरे घर में नया नया कंप्यूटर आया था और मैं कंप्यूटर चलाने के लिए बड़ा उत्सुक रहता था। तब मैं बहुत छोटा था और मुझे इंग्लिश ज़्यादा समझ में नहीं आती थी, जहाँ भी देखा ओके और या फिर कैंसिल। तो ऐसा ही होता था, मेरे घर पे एक भैया थे, वो आते थे कंप्यूटर पे काम करते थे, मैं घंटों तक उन्हें देखता रहता था और बस वहीं से सारे ओके और कैंसिल समझता रहता था। अब उनके जाने के बाद मैं हमेशा कंप्यूटर को देखता था और खोल के बैठ जाता था। अब कुछ ना कुछ गड़बड़ होती जाती थी, तो उन्हीं को चीज़ों को याद करके, उन्हीं इमेजेस को याद करके मैंने बहुत कुछ सीखा। ऐसे ही जब इंजीनियरिंग में था तो कोई भी चीज़ खोल के रख देता था, लेकिन खोलने के बाद उसे समेटना बड़ा भारी पड़ जाता था, क्योंकि अगर नहीं समेटेंगे तो मेरी मम्मी मुझे खोल के रख देती। तो मैंने कई बार कुछ बहुत सारी चीज़ें खोली और उन्हें कैसे बंद किया जा सकता है ये सीखा। तो जब हम कुछ इस तरीके की क्रिएटिव काम करते हैं तो हमें सीखने को मिलता है। कई बार आपको कोई जीवन की समस्या जो आपको बहुत बड़ी लग रही होती है, आप तब तक उस जीवन की समस्या पे रहेंगे जब तक आप उसे हल नहीं कर लेते। तो रुकना नहीं है, थकना नहीं है, बस बढ़ते रहना है और शरारत ऐसी करनी है जिससे कुछ आपको अच्छा सीखने को मिले। ये नहीं करना कि दूसरे के घर पे जाके बम फेंक गया है या फिर पटाखे जला दिए, ये ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ करें जिससे कुछ सीखें और आगे बढ़ें। जय हिंद।